miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the... Hey guys, welcome back to another vlog. और अभी मैं जस्ट आया हूँ कोर्मी में. कोर्मी एक सिटी है माल्टा की, जो कि लाइक सेंट जूलियन सेंटर से लाइक 40 मिनट्स के डिस्टेंस है बस से अगर आते हैं हम तो. और काफ़ी कूल सिटी है. अभी तो मैं मेन रोड पर ही वॉक करते हुए जा रहा हूँ. और बेसिकली आज आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ स्वैब टेस्ट कराने, कोरोना COVID-19 का टेस्ट कराने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है. टेस्ट आपको कराना चाहिए. अगर आपको कुछ लगता है कि यार मुझे सिक फील कर रहे हैं या कुछ भी, जो भी रीज़न है, बट मेरा रीज़न ये है कि मैं जा रहा हूँ इटली, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर कोविड टेस्ट कराने आया हूँ. और बेस्ट पार्ट ये कि माल्टा में कोविड टेस्ट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. जैसे आपको ये नंबर जो स्क्रीन पर दिखा रहा है इसको डायल करिए और अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, एंड देन यू कैन बुक. थैंकफुली मुझे आज की अपॉइंटमेंट ही मिल चुकी है, तो मैं आज कराने वाला हूँ. और जो मेरी फ्लाइट है वो है 24 की, तो उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं आज करा रहा हूँ अपना टेस्ट. वाओ, और ये सेंटर पार्क है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे तो. और यहाँ पर बहुत सारी ऑटो डीलर्स की मतलब कार्स के शोरूम मिल जाएंगे यहाँ पर कोर्मी में. बस अब यहीं से वॉक करते करते मेरा जो स्वैप सेंटर है वो वहीं पर जा रहा हूँ. ऑनलाइन मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी, तो वॉक करते करते वहीं पर जा रहा हूँ. They don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. You know guys, जब मैंने बार्सिलोना में PCR टेस्ट का पता करा था तो वो 120 यूरोस का था, और यहाँ पर विच कम्प्लीटली फ्री. तो यार कितना डिफरेंस है, मतलब सोचो यार, एक कंट्री जो आपको फ्री में करके दे रही है और एक कंट्री में 120 यूरोस लग रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये सिर्फ टेस्ट के. लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, मेरी फ्लाइट जो थी वो करीबन लाइक 70-80 यूरोस की थी और टेस्ट उससे ज़्यादा महंगा था. लेकिन क्या करें यार, कराना पड़ता है, जो रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. एंड हाँ गाइस, आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इटली जा रहा हूँ, 24th को फ्लाइट है, तो कल मेरा लास्ट डे होने वाला है. नहीं, कल तो 23rd है, तो 24th को मेरा लास्ट डे होगा. पर हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कल ही मेरा लास्ट डे है. फिर उसके थोड़े दिन बाद फिर मैं माल्टा आ जाऊँगा, बट अभी कुछ काम की वजह से जाना पड़ रहा है, तो जल्दी वापस मिलेंगे हम लोग माल्टा में. और ये काफ़ी डर्टी प्लेस है ये माल्टा की. पर ये वाला रूट जो है मेरे को गूगल रिकमेंड नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने इस वाले को चूज़ किया. और ये तो कुछ अलग ही जगह यार, ये क्या है पता नहीं, जो भी है सही है. मैंने पहले भी कई बार कोरोना टेस्ट करवाए हैं, तो होता क्या है उसमें, वो लोग नोज़ में बड्स डालते हैं. अब जैसे वो डालते हैं वो बहुत पेन करता है, एंड यू नो आंसू आना तो डेफिनेटली आंसू आते ही आते हैं. तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो PCR टेस्ट का, तो मुझे बताइएगा कैसा रहता है एक्सपीरियंस. और जिनके आंसू नहीं आई हैं, नहीं आते, वो तो महान है. आई थिंक दैट इज़ द प्लेस, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए शायद वो टेस्ट के लिए. लेट्स सी, चेक करते हैं. कोविड टेस्ट, अभी भी आंसू आ रहे हैं आंखों में, बट सेकेंड मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते यार, यूँ डाला और हो गया काम कंप्लीट. तो बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर के सभी जगह वैसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस टेस्ट लगने में बस. हाँ, लाइन में बहुत देर से खड़ा था, वो लाइन लंबी थी, बट फाइनली हो गया है. और देखो अब रिपोर्ट ये लोग मेल करते कितनी देर में, अच्छी फ्लाइट से पहले तो ज़रूर आ जाएगी. वैसे यहाँ पर टेस्ट होता है, 2 मिनट में टेस्ट कम्प्लीट हो गया है, तो अब बस थोड़ा सा यहाँ से जाना है वापस से घर, और फिर देखते हैं अगर कुछ बीच में आता है तो विल स्टॉप देयर. शायद सुपर मार्केट एक मॉल है यहाँ पर, बट अभी तो कुछ भी ओपन नहीं है. तो फिर भी ठीक है गाइस, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. देखा होगा आपने टेस्ट कैसे होता है यहाँ पर. वैसे मैं दिखा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर फोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक गया और करके दिखा दिया, सिंपल. चलो मिलते हैं फिर हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.